हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेकना। दोस्तों आज है मेरे पास HP 14S जिसे मैं 3 महीने से यूज कर रहा हूं। तो आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, क्या आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसकी क्या प्राइस रेंज होने वाली है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हूँ आनंद, आप देख रहे हैं टेकना, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके डिजाइन वाइज, तो यहाँ पे आपको HP का ब्रांडिंग मिल जाएगी। वहीं पे आप देख सकते हैं कि ये लाइट वेट 1.46 केजी का लैपटॉप है, जिसमें आपको पीछे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पे यानी कि बैक साइड में आपको स्क्रैच होने से प्रोटेक्ट करती है। साइड में आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ जाएगा स्लिम, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डिज़ाइन जो है वो कर्व देखने को मिल जाएगी। उस अदर साइड में भी आपको यहाँ पे स्लिम देखने को मिल जाएगी, इस का जो कर्व है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। इस साइड में भी आपको कुछ बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। अगर इसके बिल्ट इन क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का यानी हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। पीछे भी जो है वो पॉलीकार्बोनेट आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। तो मुझे डिजाइन वाइज एंड बिल्ट इन क्वालिटी ठीक ठाक लगा, कोई इशू नहीं मुझे नजर आ रही है। वहीं पे अगर पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो इस साइड में आपको SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगी, एंड यहाँ पे दोस्तों आपका पावर ऑन एंड ऑफ का लाइट भी LED लाइट जलती नजर आ जाएगी अगर आप ऑन एंड ऑफ करते हैं तो। दूसरे साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे चार्जिंग एडाप्टर का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे HDMI का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको USB Type-C पोर्ट मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगी। तो पोर्ट वाइज भी मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट ऑल द पोर्ट्स मिल जाते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इस लैपटॉप को ओपन करके दिखाऊं तो आपको अंदर कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। नीचे में भी यानी कि इस साइड में भी आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए इस लैपटॉप को अब ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी बूट टाइम कितनी है। दोस्तों अब मैं इस लैपटॉप को ऑन करता हूं, आपको दिखाता हूं कि इसकी बूट टाइमिंग कितनी है। तो मैं यहां से भी ऑन करता हूं और इस स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट करता हूं। देखिए ये टर्न ऑन हो गया है। अब देखते हैं कंप्लीटली टर्न ऑन होने में इसे कितना सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों ये 8 सेकंड में ही टर्न ऑन हो गया, एज यू कैन सी दैट। मैं इसे स्टॉप कर देता हूं। तो दोस्तों 8 सेकंड में कंप्लीटली टर्न ऑन हो गया है। तो मैं इसे पासवर्ड डाल के इसे ओपन करता हूँ। बट दोस्तों 8 सेकंड बहुत कम समय है। दोस्तों अगर आप दूसरे लैपटॉप को देखेंगे तो आपको 15 से 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड के आसपास का टाइम लग जाएगा, बट ये 8 सेकंड में ही टर्न ऑन हो गई है। तो इसका बूट टाइमिंग बहुत ही बढ़िया मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों अगर इसके कीपैड की बात करें तो इसमें आपको चिकलेट कीपैड देखने को मिलेगी, एंड ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। दोस्तों अगर मैं इसे प्रेस करके दिखाऊं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो अगर आप टाइप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टनेस एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, कम्प्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्पीकर मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्रीन है इसमें भी आपको 250 nits का ब्राइटनेस यहाँ पे मिल जाएगी। तो बढ़िया मैं बोल सकता हूँ इसकी ब्राइटनेस है। उसके अलावा दोस्तों इसका जो टच पैड है, यहाँ पे अगर मैं टच पैड को दिखाऊं तो इसका टच पैड भी बहुत ही स्मूथली काम कर रही है, कोई इशू मुझे नहीं आ रही है। तो इसका टच पैड में भी आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको HD कैमरा 720 pixel का देखने को मिल जाएगी। अब चलिए मैं इसकी साउंड क्वालिटी चेक करता हूँ, इसकी कैसी साउंड क्वालिटी है। तो मैं यहाँ से दोस्तों इस सॉन्ग को प्ले करता हूँ। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो वॉल्यूम है वो कम्प्लीटली 100 पे मैं इसे सेट कर लिया है। अब मैं चलिए दूसरा सॉन्ग यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही, कोई इशू नहीं नजर आ रही है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो चलिए मैं अपना कोई एक वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेकना। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 5 बेस्ट TWS इन द रेंज ऑफ 1500, यानी कि दोस्तों 1500 के रेंज में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है, ये HD क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों अगर इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 8GB रैम एंड 512GB SSD मिलती है। वहीं पे ये 14 इंच फुल HD डिस्प्ले है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया
डिस्प्ले भी मिलती है। उसके साथ साथ इसकी जो प्रोसेसर है वो इंटेल i3 11th जनरेशन है DDR4। तो दोस्तों कुल मिला के बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाला ये लैपटॉप है, जिसमें आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है, विंडो 10 मिलती है एंड प्री इंस्टॉल MS ऑफिस भी मिलती है। उसके साथ साथ दोस्तों HP का क्विक सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है। अब दोस्तों अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इसका 8 आवर्स मिनिमम चल जाती है, यानी कि आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में मिल जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। मैं इस लैपटॉप को दोस्तों 43,000 में खरीदा हूँ। अभी दोस्तों अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो आपको 48,000 के आसपास में ये दिखाएगा, बट दोस्तों मुझे ये 42 या फिर 43 के आसपास में मुझे मिला था। तो कुल मिला के दोस्तों इंटेल i3 11th जनरेशन 8GB प्लस 512 SSD बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है। इसमें आपको कहीं कोई हैंग देखने को नहीं मिलेगा। मैं 3 महीने से इसे यूज कर रहा हूं और इसमें ऑलमोस्ट मैं वीडियो एडिटिंग भी कर पा रहा हूं, मार्केटिंग शेयर मार्केटिंग का भी काम कर रहा हूं, कुछ कोडिंग भी कर पा रहा हूं। जनरल दोस्तों जितने भी वर्क होते हैं वो सारे मैं इससे कर पा रहा हूं, कहीं भी कोई हैंगिंग देखने को नहीं मिल रही है मुझे। तो दोस्तों अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाके आप वहां से खरीद सकते हैं। ये लैपटॉप 40,000 के रेंज का बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।